नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों देखिए, अगर आप टेक्निकल दुनिया में रहते हैं यानी कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हैं तो हमेशा से आपको एक काम आसान लगता है कि सोशल मीडिया पर कोई चीज़ पोस्ट किया जाए, कोई बात ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाना है उसको अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट्स पर पोस्ट किया जाए, कोई फोटोज़ भेजनी है, वीडियोज़ भेजनी है, किसी को बहुत बड़ा लेटर भेजना है, सो आप उसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और उन सब में सबसे जो इम्पोर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है वो है जीमेल अकाउंट। जी हाँ, जीमेल अकाउंट काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी है, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और उससे लोग लाखों करोड़ रुपए भी कमाते हैं और बिजनेस पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से जीमेल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अगर आप भी जीमेल का इस्तेमाल करते हैं तो आप तीन गलतियां मत करें। तीन अगर गलतियां आप करते हैं तो आपका जीमेल अकाउंट हमेशा हमेशा के लिए बैन हो जाएगा। और आपको पता है कि जीमेल अकाउंट से भी कई सारे बिजनेसेस होते हैं। अगर आपका जीमेल अकाउंट बैन होता है तो ऑब्वियसली उससे एसोसिएटेड जितने भी आपके बिजनेसेस हैं वो भी नष्ट हो सकते हैं, वो भी बर्बाद हो सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं वो मैं अब आपको बता देता हूँ। दरअसल बात करें तो दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ईमेल सर्विस है। दुनिया भर में करोड़ों लोग जीमेल का इस्तेमाल करते हैं और उसका ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा भी उठाते हैं। जीमेल ने इसके इस्तेमाल करने के कुछ नियम भी बनाए हुए हैं, उन नियमों का पालन यूजर्स को करना होता है। नियमों का पालन नहीं करने पर जीमेल आप पर एक्शन ले सकता है, जीमेल आपका अकाउंट भी बैन कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि जीमेल के ये नियम आखिरकार कौन कौन हैं। जीमेल ने नियमों में कुछ बदलाव किया है। गूगल ने अपने ईमेल सर्विस में कई तरह के बदलाव किए हैं। अब यूजर्स मेल भेजने के बाद उसे अंडो भी कर सकता है, ये नया फीचर है। साथ ही इंटरफेस में भी बदलाव किया जाएगा। लगातार न भेजे किसी को मेल, पहला जो पॉइंट है वो लगातार आपको मेल नहीं भेजना है। हमें लगता है कि हम जीमेल में एक दिन में कितने भी मेल भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है। गूगल ने जीमेल से ईमेल भेजने की एक लिमिट तय कर रखी है, कोई उस लिमिट को क्रॉस करता है तो उसका जीमेल अकाउंट बैन हो सकता है। आप अपने जीमेल से एक दिन में 500 से ज़्यादा ईमेल नहीं भेज सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि अगर आप बार बार 500 से ज़्यादा मेल भेजने की कोशिश करते हैं तो उस सिचुएशन में आपका जीमेल अकाउंट बैन हो सकता है। दूसरी चीज़ है स्पैम मैसेजेस ना भेजें। अगर आप स्पैम मैसेजेस भेजने की कोशिश करते हैं तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। ऐसा करने पर आपके 1 घंटे से लेकर 24 घंटे के लिए अकाउंट बैन किया जा सकता है, यानी अगली मेल आप 24 घंटे के बाद ही भेज पाएंगे। आप लगातार स्पैम भेजने का काम करते हैं तो आपका जीमेल हमेशा के लिए भी बैन हो सकता है। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं कि किसी को स्पैम मैसेजेस भेजा जाए तो वो चीज़ें आप ना करें, नहीं तो फिर आपका जीमेल अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरे पॉइंट्स की बात करता हूँ तो ईमेल के जरिए ना भेजें गैर कानूनी मटेरियल या फिर कोई कंटेंट। अगर आप किसी के ऐसा लिंक, फोटो, वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं जो गैर कानूनी है तो वह जीमेल का पॉलिसी के खिलाफ है, तो भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है। गैर कानूनी मटेरियल की कैटेगरी में हथियार की खरीद बिक्री होती है, ड्रग्स तस्करी होता है, कॉपीराइट म्यूजिक वीडियो और मूवी की जानकारी आदि, कोई मेल के जरिए जानकारी भेजना आदि शामिल है। अगर आप भेजते हैं तो आपको गूगल ऐसा मैसेज दिखता है, यू हैव रीच्ड अ लिमिट फॉर सेंडिंग मेलर, या फिर एरर मैसेज दिखाई देगा। गूगल के मुताबिक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्शन फीचर ईमेल के जरिए भेजने वाली गलत कंटेंट की पहचान कर लेता है। तो ये तीन चीजें हैं, अगर आप जीमेल रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके की आप काम ना करें, वरना आपका भी जीमेल अकाउंट बैन हो सकता है और आप पर कानूनी एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें और जब भी आप जीमेल का इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रोसीजर को आप जरूर फॉलो करें। बाकी जानकारी कैसी लगी, जानकारी यूजफुल लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जुड़ जाइएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।